जैसे आप अवगत हैं कि आज 22 तारीख को सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जनता की तरफ से अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करते हुए जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया था। उसका व्यापक असर हमें जनपद गोंडा में देखने को मिला है। लोगों ने अपने ऊपर डिसिप्लिन रखते हुए अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखा है। जिसको कोई ज़रूरत बाहर निकलने की नहीं है, वो अपने घरों में रहे हैं और बहुत हद तक लोगों ने इसका पालन भी किया है। अभी भी शाम के 5 बजे भी लोगों ने, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप अभी व्यक्ति के जरिए थाली बजा के, ताली बजा के या किसी और माध्यम से, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, जो हमारे एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं या जो हमारे डोर टू डोर डिलीवरी करते हैं, जितने भी लोग इस आपात स्थिति में लगे हुए हैं, जो लोगों को सहूलियत दे रहे हैं, उन सबका आप धन्यवाद ज्ञापित करें, तो उसमें भी बहुत बढ़ चढ़ के लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं। इसमें यह स्पष्ट करना है कि एसेंशियल सर्विसेज, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो खाद्य पदार्थों को लेकर हो, चाहे वो सब्जियों को लेकर हो, चाहे दूध को लेकर हो, चाहे वो पेट्रोल या डीजल को लेकर हो, ऐसी सभी व्यवस्थाएँ इस कर्फ्यू के दौरान भी और आगे आने वाले समय में भी बहाल रखी जाएंगी। हम कोशिश करेंगे और सुनिश्चित कराएंगे कि जितनी हमारी दवा की दुकानें हैं उस पर, जो हमारे कंट्रोल रेट पे जो ऑर्डर निकले हैं, वहाँ पर वो उपलब्ध रहें, जनमानस को, आम जनमानस को जो आवश्यक चीज़ें हैं वो उपलब्ध रहें, और जो हॉस्पिटल्स को जो मेडिकल किट की ज़रूरत है वो भी प्रदेश सरकार के माध्यम से सुनिश्चित कराया जा रहा है कि वो पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर उपलब्ध रहे। लोगों को ये, हम हमारे जो सभी नागरिक हैं गोंडा के।